और आप रुक करेंगे 85 खबर 85 से लेकर। कांकेर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़, एक जवान घायल, जवाबी कार्रवाई के बाद भागे नक्सली। आज से चार दिनों के छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, बस्तर में चुनावी तैयारियों की करेंगे समीक्षा, विधानसभा चुनाव की रणनीति पर करेंगे मंथन। कांकेर के जलाशय खाली करने के मामले में अब एसडीओ की बारी, नोटिस जारी, 3 दिन में देना होगा जवाब, पानी के पैसे की होगी वसूली। रायपुर में फिर चाकूबाजी की घटना, ओवरटेक करने से मना करने पर युवक को मारा चाकू, मुजगहन इलाके की घटना। दुर्ग में दीपक नगर में पार्षद निवास पर लगी आग, फायर ब्रिगेड ने बुझाई आग, आग लगने का कारण अज्ञात, कमरे में रखा सामान जलकर राख। पिंडरा में भालू के हमले में 2 लोग घायल, मड़वाही गांव में भालू ने किया था हमला, ग्रामीणों ने भालू को जंगल की ओर खदेड़ा। जबलपुर में एक साथ 7 जगहों पर एनआई की रेड, मुस्लिम बाहुल इलाकों में एनआई और एटीएस संयुक्त रूप से कर रही जांच, शहर के सभी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र छावनी में तब्दील, कई स्थानों पर हथियार और आपत्तिजनक दस्तावेज मिले। भोपाल में ई सिगरेट पर प्रतिबंध, केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद प्रदेश में सख्ती से लागू, बिक्री और मैन्युफैक्चरिंग दोनों पर पाबंदी, कानून तोड़ने वालों को कड़ी सजा होगी। सूरत में बागेश्वर बाबा के हिंदू राष्ट्र पर फिर जोर, कहा भारत क्या पाकिस्तान भी बनाएंगे हिंदू राष्ट्र, किसी मजहब और पंथ के विरोधी नहीं, बस सनातन के कट्टर। नीमच में ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई कार, कार में सवार 3 लोगों की मौत, 4 लोग घायल, कार चालक को नींद आने से हुआ हादसा। भिंड में चाय दुकान में लगी भीषण आग, दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू, संस्कृति मैरिज गार्डन के पास का मामला। दूसरे अभ्यारण्य में चीतों को बसाने की कवायद, कुनो पार्क के अलावा दूसरी जगह बसाने की योजना, गांधी सागर अभ्यारण्य और नौरादेही अभ्यारण्य में भी बसाने की तैयारी। धार में 17 लोग हुए फूड पॉइजनिंग के शिकार, सभी लोगों ने शादी समारोह में खाया था खाना, बीमार लोगों की धामनौद अस्पताल में हालत स्थिर। भोपाल में चड्डी बनियान गैंग ने वॉर डिसेबल्स रिटायर्ड कर्नल के घर की चोरी, कैश और लैपटॉप उड़ा ले गए चोर, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई करतूत। गरियाबंद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया थाने का घेराव, रेडी टू ईट आर्थिक अनियमितता मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग, राजीव लोचन सिद्ध सहायता समूह के अध्यक्ष पर आरोप, कांग्रेस कार्यकर्ता दुर्गा सोनी ने लगाया आरोप। रायगढ़ में तलवार के साथ घूम रहा युवक गिरफ्तार, लोगों को डराने धमकाने का आरोप, बस स्टैंड पर तलवार के साथ घूम रहे युवक को पुलिस ने पकड़ा। बलौदाबाजार में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, नाबालिग से 3 वर्षों तक बहला फुसलाकर करता रहा दुष्कर्म, आरोपी के खिलाफ लवन थाना में विभिन्न धाराओं में केस दर्ज। पिंडरा में शादी का झांसा देकर नाबालिग का दैहिक शोषण करने वाले को 10 साल की सजा, 9 अक्टूबर 2021 को पिंडरा थाना क्षेत्र के कुदरी गांव का मामला, एक अन्य आरोपी को किया दोषमुक्त। कोंडागांव में मेंटेनेंस के चलते बिजली आपूर्ति बंद, प्री मॉनसून मेंटेनेंस का किया जाएगा कार्य, शहर के मेन फीडर में मेंटेनेंस के चलते पावर कट। जशपुर में जंगल में चल रहे 9 मवेशियों की चोरी, 4 भैंसे और 5 बैल की चोरी, मवेशियों को पैदल झारखंड ले जा रहे थे 4 आरोपी, तपकरा थाने का मामला। बलरामपुर में पेट्रोल पंप से बाइक चोरी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, चोरी की गई बाइक बरामद, राजपुर पुलिस आरोपियों को भेज चुकी है जेल। बलरामपुर में आज कई जगहों पर नहीं आएगी बिजली, कई गांवों में भी होगी बिजली की कटौती, बिजली लाइन में सुधार का किया जा रहा काम। धमतरी में भीषण गर्मी में गजराज का ग्रीष्म स्नान, सिरसगांव इलाके में 35 हाथियों का सिकासेर झुंड तालाब में नहाता दिखा, तेज गर्मी के कारण पूरा दोपहर पानी में बिता रहे हाथी।